बड़े वाले का मैं 150 लेता हूँ, डिवाइडेड बाय इसका ये वाला स्ट्रेस लूंगा, यही तो निकालना है, अगर ग्राफिकली देखो तो यही तो निकालना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड 150 बाय अननोन इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ये क्या है 50 और ये है 30, यहां से भी आप अननोन निकाल सकते हो। सो आई थिंक ये काफी यूजफुल होता है जब आपको अलग एक लेयर पे बेंडिंग स्ट्रेस पता है और उससे दूसरे डिस्टेंस पे आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। और याद रखना न्यूट्रल एक्सिस से वाई होता है, ऊपर से नहीं होता, ऊपर से अगर दिया हुआ तो यहाँ से न्यूट्रल इसके न्यूट्रल एक्सिस से बेसिकली वाई फाइंड करेंगे। सो दिस इज द स्मॉल कॉन्सेप्ट एंड दिस वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। देन वी आर गोइंग इनटू द डेरिवेशनल पार्ट ऑफ बेंडिंग इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स, राइट।